सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन ट्विटर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जब भी हम कोई न्यूज़ टीवी पर देखते हैं तो हमें लगता है कि एंकर ने कुछ लाइनें बोली और उसके बाद कुछ इमेजेस वीडियोस हमें इंसिडेंट के दिखाई और न्यूज़ कंप्लीट हो गई। लेकिन जो न्यूज़ ऑडियंस को दिखाई जाती है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं। सो आज की वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। लेकिन स्टेप या स्टेजेस की बात करने से पहले वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। स्टेजेस बिटवीन ए न्यूज़ एंड ऑडियंस। सबसे फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़, सेकेंड स्टेज ड्राई एंकर, थर्ड फोन इन, फोर्थ एंकर विजुअल, फिफ्थ एंकर बाइट, सिक्स लाइव एंड सेवन एंकर पैकेज। सो वन बाय वन हम सभी स्टेजेस के मीनिंग की बात करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़ की। फर्स्टली ए बिग न्यूज़ इज़ पास्ड टू ऑडियंस इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़। इन दिस एटलीस्ट वर्ड्स आर गिवन ओनली इंफॉर्मेशन। सो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। सेकंड स्टेज है ड्राई एंकर। इट टेल्स द ऑडियंस डायरेक्टली अबाउट ए न्यूज़, वेयर, व्हाट, व्हेन एंड हाउ इट हैपन। द एंकर डिलीवर्स इंफॉर्मेशन टू व्यूअर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रिपोर्टर अंटिल द न्यूज़ सीन अराइव। सो ड्राई एंकर की बात करें तो इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। सो सबसे फर्स्ट स्टेज था फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें कम से कम वर्ड्स में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। सेकेंड था ड्राई एंकर, जिसमें रिपोर्टर से मिली जानकारियों यानी कि इन्फॉर्मेशन के बेस पर एंकर क्या, कहां, कब, कैसे हुआ इसके बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। और अब थर्ड स्टेज की बात करें तो वो है फ़ोन इन। आफ्टर द फोन इन द न्यूज़ एक्सपेंड्स एंड द एंकर कम्युनिकेट विद द रिपोर्टर ओवर फोन एंड इन्फॉर्म्स टू ऑडियंस। इन दिस द रिपोर्टर इज प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर इंसिडेंट अकर्स एंड फ्रॉम देयर ही गेट्स एज मच एज इन्फॉर्मेशन पॉसिबल, ही टेल्स द ऑडियंस। तो फोन इन की बात करें तो इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। तो यह था थर्ड स्टेज फ़ोन इन, जिसमें एंकर रिपोर्टर से कम्युनिकेट करके और जानकारियां हासिल करता है और ऑडियंस को उनके बारे में इन्फॉर्म करता है। यहां पर फोर्थ स्टेज की बात करें तो एंकर विजुअल। व्हेन द सीन ऑफ इंसिडेंट फॉल्स देन द न्यूज़ इज रिटन ऑन द सीन्स एंड द पर्सन हु रीड्स कॉल्ड एंकर। दिस न्यूज़ आल्सो स्टार्ट विद इनिशियल इंफॉर्मेशन एंड लेटर सीन्स ऑब्टेन ऑन सम सेंटेंसेस शोन। सो एंकर विजुअल की बात करें तो जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर के द्वारा पढ़ी जाती हैं। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से ही होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। तो यह था स्टेप नंबर या स्टेज नंबर फोर एंकर विजुअल, जिसमें इंसिडेंट के जो सीन होते हैं, इमेजेस होती हैं, वो हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर स्टेज की बात करें तो वो है एंकर बाइट। बाइट मीन्स स्टेटमेंट। बाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेलीविज़न जर्नलिज्म। द कॉरस्पॉन्डिंग बाइट इज शोन ऑन टेलीविज़न टू कन्फर्म एनी न्यूज़। ऑथेंटिसिटी इज गिवन टू न्यूज़ बाय इन्फॉर्मिंग एंड शोइंग द सीन ऑफ इंसिडेंट एज वेल एज शोइंग एंड हियरिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ आई विटनेस और कंसर्न्ड पर्सन अबाउट द इंसिडेंट। तो यहाँ पर एंकर बाइट की बात करें तो बाइट यानी कथन, स्टेटमेंट। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है, यानी स्टेटमेंट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों
या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। सो ये था स्टेज नंबर 5 एंकर बाइट। सो अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर 6 की, जिसका नाम है लाइव। लाइव मीन्स एनी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट लाइव फ्रॉम द सीन। ऑल टीवी चैनल्स ट्राई टू मेक द सीन ऑफ ए बिग इवेंट डायरेक्टली असेसिबल टू व्यूअर्स। फॉर दिस द रिपोर्टर एंड कैमरामैन थ्रो ओबीवैन द ऑडियंस इज डायरेक्टली विजिबल एंड टोल्ड अबाउट द इंसिडेंट। सो लाइव की बात करें तो लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जाएं। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। सो ये था स्टेज नंबर 6 लाइव, जिसमें लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है किसी सीन का, ताकि न्यूज़ को जल्दी से जल्दी ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। सो अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज की, जिसका नाम है एंकर पैकेज। सो यहाँ पर एंकर पैकेज की बात करें तो पैकेज इज़ ए वे टू प्रेजेंट एनी न्यूज़ इन एंटायरली। इट कंटेन्स द सीन ऑफ इंसिडेंट, द बाइट्स ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद इट, द नेसेसरी इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स एटसेट्रा। टेलीविजन राइटिंग इज डन कीपिंग इन माइंड ऑल दिस फॉर्म्स वेयर एवर देयर इज ए नीड, सच सेंटेंसेज आर यूज। द वर्ड्स जॉब इज टू टेक द सीन फॉरवर्ड सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड विद अदर सीन, एक्सपोजिंग द मीनिंग कंटेंट इन इट सो दैट ऑल द इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यूज कैन बी ओपन्ड। तो यहाँ पर अगर एंकर पैकेज के मीनिंग की बात करें तो पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की स्टेटमेंट यानी कि बाइट, ग्राफिक के जरिए सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ जैसी जरूरत होती है वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें। सो ये थे वो 7 स्टेजेस जिनसे इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है। सो इन 7 स्टेजेस के बाद इन्फॉर्मेशन या कोई भी न्यूज़ ऑडियंस तक पहुंचती है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ के किसी और टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू।